आज बहुत बारिश हो रही है और काम के साथ प्रकृति का आनंद लेने का अवसर मुझे भी मिला है। मानसून में पहाड़ों की ग्रीनरी प्रकृति की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। आज आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। लैंसेडोन जाते हुए आपको इस तरह के हट, होटल और होम स्टे मिलेंगे जिनमें आप रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जाते हुए हमें ये बहुत ही अच्छा झरना यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत से सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर झरना कितना अच्छा सा दिख रहा है। और कैमरामैन दिखाएंगे हमारे सामने कितना ब्यूटीफुल झरना आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर ये भी दिखाइए कि यहाँ पर सैलानियों का कितना बड़ा, कितनी भीड़ है यहाँ पर, सब लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं क्योंकि ये झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये झरना कैसा लग रहा है अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हमें ये लैंसेडोन जाते हुए बरसात के मौसम में इतना खूबसूरत सा झरना देखने को मिला है, आप भी बरसात के मौसम में ऐसा लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रूर आइए। बरसात के मौसम में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज माय एडवेंचर क्लब की ट्रैवल स्टोरी में मैं शिवानी गुसाई आप लोगों को लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है गढ़वाल राइफल का गढ़। तो चलिए बढ़ते हैं उस गढ़ की ओर जहाँ सबको रहेगा इंतज़ार। आज मैं अपने साथियों के साथ गढ़वाल राइफल के गढ़ जा रही हूँ। मौसम भी मानसून का है और ऐसा लग रहा है सावन झूम झूम के आया है। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जिसे मैं गढ़वाल राइफल का गढ़ कह रही हूँ, जी हाँ, गढ़वाल राइफल का गढ़, ये है लैंसेडोन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ लैंसेडोन के बारे में। लैंसेडोन बेसिकली एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें हरे भरे पहाड़ों से भरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण से परिपूर्ण ये जगह है। इस स्थान को 1887 में ब्रिटिश काल में बसाया गया था। इस स्थान का मूल नाम वैसे कालू का डांडा है। प्राचीन काल में अगर आप अपने दादा परदादाओं से पूछेंगे तो वो इस स्थान को कालू का डांडा कहते हैं, जिसका गढ़वाली भाषा में अर्थ होता है काले पहाड़। ये काले पहाड़ों से भरा हुआ घना जंगल हुआ करता था, इसलिए इसे कालू का डांडा, काला पहाड़ कहा जाता था। मैंने भी अपनी माताजी से सुना है इस कालू डांडा की कहानियाँ, बहुत सारी रोचक कहानियाँ सुनी हैं। और ये भी सुना है कि जब हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी सेवाएँ दी हैं। ब्रिटिश काल में वो जब अपनी सेवाएँ देते थे तो वो इस कालू के डांडे का भी उन्होंने जिक्र किया है। लैंसेडोन की समुद्र तल से ऊंचाई 1706 मीटर है और देश की राजधानी दिल्ली व राज्य की राजधानी देहरादून से यह हिल स्टेशन काफ़ी नज़दीक है। और 5 या 6 घंटे के अंतराल में आप लैंसेडोन पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आज हम भी देहरादून से चले हैं और केवल 5 घंटे में हम लोग लैंसेडोन पहुँचे हैं। गढ़वाल राइफल्स का गढ़ लैंसेडोन, जी हाँ, मैं अब लैंसेडोन के बारे में बताती हूँ कि लैंसेडोन का नाम लैंसेडोन कैसे पड़ा। लैंसेडोन को ब्रिटिश काल में 1887 में बसाया गया।
उस समय वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। वैसे इसका वास्तविक नाम कालू का डांडा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कालू का डांडा मतलब गढ़वाली का, गढ़वाली में कहा जाता है, और वैसे इसको हिंदी में कहा जाएगा काले पहाड़। यह पूरा क्षेत्र सेना के अधीन है और गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी है, इसीलिए इसे गढ़वाल राइफल का गढ़ कहा जाता है। आप यहाँ गढ़वाल राइफल्स की वॉर मेमोरियल और रेजिमेंट म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ गढ़वाल राइफल से जुड़ी चीज़ों की झलक पा सकते हैं। संग्रहालय शाम के 5 बजे तक ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इसके करीब ही एक परेड ग्राउंड भी है, जिसे आम पर्यटक केवल बाहर से देख सकते हैं। वैसे यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन की कई गतिविधियों का गवाह भी रह चुका है। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी हुसैन, माई एडवेंचर क्लब में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पहुँचे हैं लैंसडाउन के भुल्ला ताल, और भुल्ला ताल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, और इसी के साथ मैं दिखाऊंगी अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि हमारे यहाँ रेजिमेंट जो गढ़वाल रेजिमेंट है उनके जवानों पर फोकस करें, उससे आगे की कहानी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, और क्लोज आइए थोड़ा सा कैमरामैन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हैं लैंसडाउन में। लैंसडाउन जाना जाता है अपने कैंट एरिया के लिए। यहाँ है गढ़वाल राइफल का कैंट एरिया, और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भुल्ला लेक है। भुल्ला गढ़वाल राइफल में छोटे जो सोल्जर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, उनके लिए बोला जाता है भुल्ला। भुल्ला उन्हें प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो उन्हीं के द्वारा जो भुल्ला जो होते हैं, जो न्यू रिक्रूटर्स होते हैं, उनके द्वारा ये लेक बनाया गया है। देखिए कितनी, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस लेक को सजाया है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पार्क बनाया है, और ये बीच में क्रॉस करने के लिए छोटा सा ब्रिज है, छोटी छोटी सी हट्स हैं यहाँ पर, और इस पानी में भी आप लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों को लैंसडाउन आना हो, भुल्ला लेक जरूर आइए। यहाँ पर टिफिन टॉप है, वहाँ से बहुत ही वाइड एरिया माउंटेन्स का दिखाई देता है, और उसी के साथ यहाँ पर एक चर्च भी है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। तो लैंसडाउन आइए। ये यूपी और हरियाणा और दिल्ली से बहुत ही नियर अबाउट है, और देहरादून से भी केवल 3 घंटे के रास्ते में आपको लैंसडाउन पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत वैली है, घूमने ज़रूर आइए। अब जैसे कि हम लोग माई एडवेंचर क्लब मैक में ट्रैवल स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में देखने के लिए बहुत कुछ है। प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए आप यहाँ टिफिन टॉप जा सकते हैं, जहाँ से पूरा लैंसडाउन दिखता है। यहाँ से बर्फीली चोटी और मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता है। पास में ही 100 साल से भी ज़्यादा पुराना सेंट मैरीज का चर्च भी है, जहाँ आपको गढ़वाल राइफल की एक मूवी दिखाई जाती है। थोड़ा सा अगर आप और ऊपर चले जाएं तो वहाँ आपको दुर्गा माता का मंदिर दिखेगा। यहाँ आपको गढ़वाल राइफल्स की म्यूज़ियम देखने को मिलेगी। और दोस्तों, एक ख़ास जगह जो कि है भुल्ला ताल,
जिसको बनाया है गढ़वाल राइफल के जवानों ने खुद अपने हाथों से। भुल्ला ताल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। थोड़ा सा 35 किलोमीटर की दूरी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ताड़केश्वर मंदिर मिलेगा, जो कि एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, और ये है सिद्धपीठ। आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ आपको देवदार और चीड़ के पेड़ मिलेंगे और बहुत ही शांत एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। तो कैसी लगी आपको लैंसडाउन की स्टोरी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा आपको इसमें क्या पसंद आया। दोस्तों, बहुत से सैलानी यहाँ पर, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर ट्रैकिंग करने आते हैं, बाइकिंग करने आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं और बहुत कुछ करने आते हैं। कुछ लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो आप किस लिए आ रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज लैंसडाउन की वीडियो आप लोग को कैसी लगी और इसमें आपको सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई ट्रैवल स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। आपको अगर लैंसडाउन आना है तो रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट, होम स्टे, होटल्स बहुत से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और रहने को मिलेंगे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर आपको होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे। स्प्रिंग मेडोज़ करके ये रिसोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो रोड साइड में है, और इस आगे ये रिवर साइड करके रिसोर्ट है। Yeah.